आज हम उस इलाके में हैं जिसने कई दशकों तक इस देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होने का काम किया है। जी हाँ, नागपुर में जीरो माइल। नागपुर वो शहर है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का गढ़ है, हेडक्वार्टर्स है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम सभी ने देखा किस प्रकार से जब संघ अपना हाथ पीछे ले लेता है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है। अब बारी है महाराष्ट्र की, क्या होगा? क्या संघ और भाजपा के रिश्ते एक बार फिर दोस्ताना हो चुके हैं या फिर कहानी में अभी भी कोई पेच है? वेलकम टू द जीरो माइल शो। दिस इज वेयर द रियल पब्लिक ओपिनियन, द रियल पब्लिक मूड विल बी रिफ्लेक्टेड थ्रू कॉन्वर्सेशंस बाय टू ऑफ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट इन महाराष्ट्र, बाय टू कॉलीग्स कन्हैया सिंह एंड पराग will be with us in different parts of the state as we bring you the sights, the sounds and the mood of Maharashtra, starting first with the zero mile. So let's start the conversation and let's bring in Kanhaiya Singh and Parag. Kanhaiya, pehle ye batao, ye jo zero mile show hai, ye ek naam aapne kyon rakha hai zero mile show? Upin, aap jab kal raat ko hum log conversation kar rahe the, this is a very interesting thought. This place is at the confluence of so many historic things which carry its own legacy, and it's even relevant today in contemporary politics. We want to decode it, and we want to say this probably is the biggest show which will bring you the opinions from all sides, all parties, keeping yourself equidistant from any ideological and any editorialization of any kind of opinions and views. So, you know, in a market where everybody is expressing an opinion, is the purpose behind Shreshth Maharashtra, the purpose behind the zero mile format, is to go back to the people, not depend on exit pollsters who got egg on their face, but actually go back to the people and just reflect their sights and sounds, their moods? Yes, it's very interesting, Bhupen, that the people have to be brought under certain narratives which are sometimes apolitical, and that apolitical essence is Nagpur. Why do we say that? This is the headquarter of RSS, the very ideological engine behind today's mammoth BJP. This is the center of Bhimrao Ambedkar Sahab, the maker of the constitution, and where he took Diksha. So in many ways, it signifies the symbolism that exists in politics today. ये तो पराग है कि ये तो मतलब एक हेलीकॉप्टर व्यू जिसको कहते हैं ना, वो तो कन्हैया ने हेलीकॉप्टर व्यू दिया है। लेकिन ये बताओ बॉस, पूरी दिल्ली में चर्चा ये है कि आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों के बीच में जो खटास आ गई थी, क्या वो खटास खत्म हो गई है? खत्म या ये बात तो अभी आज की तारीख में बोलना मुश्किल है, लेकिन ये नागपुर जो सिटी है और ये पर्टिकुलर ये जीरो माइल का जो स्पॉट है, ये अभी एपिसेंटर बना है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का। जैसे हम पीछे देख रहे, ये चार हॉर्सेस है, चार घोड़े है, ये चार दिशा को दर्शाता, चारों दिशाएं कहीं भी जाया जा सकता। हाँ, तो यहाँ से महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का जो डायरेक्शन है, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का जो डेप्थ है, वो यहाँ डिमार्केट हो जाएगा और महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की दिशा यहाँ से शुरू हो जाएगी। अगर आप देखोगे तो बीजेपी और आरएसएस, जो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री जो भी बनेगा, या तो यहाँ से बनेगा या यहाँ के कंसेंट से बनेगा। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि अभी हमने सुधीर सूर्यवंशी से भी बात की थी। हमने सुधीर इज ऑल्सो वेरी एमिनेंट जर्नलिस्ट, उनका ये कहना है कि इस बार महाराष्ट्र का जो चुनाव है, ये ऐसा पहली बार हो रहा है जब दोनों ही पक्ष मुख्यमंत्री पद किसके पास जाएगा इसकी घोषणा नहीं कर रहे, चुनाव से पहले नहीं कर रहे। एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्या उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा सकता है? देवेंद्र फडणवीस जी यहां से हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और पीछे यहाँ पर जो नागपुर के हमारे जो सांसद जी हैं, वो तो हमेशा ही कहीं ना कहीं छाया में रहते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री पद की जो दावेदारी है, वो भी इन्हीं तीन चेहरों के बीच में है क्या? आप अगर इतिहास के पन्ने देखोगे कि तो पिछले तीन मुख्यमंत्री है वो शहर से है, मुंबई है, थाने है, और ये नागपुर है, तो ये सिटी बेस्ड हो गया है। तो मुख्यमंत्री अनाउंस करने के लिए तो अभी तो ज्यादा आपको भविष्य की जरूरत नहीं है। हमें पता है जो ऑप्शंस खाली चुनने हैं, लेकिन ये ऑप्शंस पे आज की तारीख में सबका एकमत होना मुश्किल है, क्योंकि अगर किसी एक का नाम आप अनाउंस करते हैं तो बाकी दो या बाकी तीन इनसिक्योर हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए अभी ये जो समन्वय की राजनीति है,
यहाँ पे जो जो वहाँ पे आघाड़ी और महायुति बनी है दोनों तरफा, वो अभी एक दूसरे को संभालने में लगे हैं, जो कि यहाँ पे जो संभ्रमावस्था है, जो कंफ्यूजन है, जितना भी कम हो चुके तो हो सकता है वो हो सकेगा, इसलिए वो अनाउंसमेंट कोई आज की तारीख में कोई करने की सोचेगा भी नहीं। अगर हम लोकसभा का कंपैरिजन करें विधानसभा से, भाई लोकसभा चुनाव में देखिए बीजेपी एंडेड अप, एनडीए एंडेड अप फेसिंग अ ह्यूज लॉस कन्हैया, राइट? इफ यू वर टू कंपेयर लोकसभा परफॉर्मेंस, एंड आई एम ओनली रिस्ट्रिक्टिंग मायसेल्फ राइट नाउ टू द एनडीए वर्सेस ए पोटेंशियल विधानसभा परफॉर्मेंस, व्हाट डू यू थिंक इज द लेसन दैट द एनडीए वुड टेक व्हेन वी स्पेसिफिकली लुक एट नागपुर एंड देयर जॉइनिंग एरियाज? So there are Maharashtra politics is more or less a layered in a layered structure today. एक कोई narrative यहाँ कोई भी दिशा तय नहीं कर सकता है। Probably यही कारण था कि पिछली बार जो NDA को और NDA alliance को नागपुर जैसे शहर में, विदर्भा में, खास करके नागपुर शहर की बात तो नहीं करेंगे, विदर्भा की करेंगे, विदर्भा में जो setback देखना पड़ा, internal infight के एक कारण था, जो बीजेपी और संघ के बीच का जो तकरार था वो एक अलग इशू था, उसके सिवा जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो एक बहुत ही प्रोफाउंडली और प्रोमिनेंटली प्ले आउट किया, तो ये सारे फैक्टर्स मिला के, और उसके बाद जो माइक्रो मैनेजमेंट है इलेक्शन का, व्हाई वी आर कॉलिंग इट दिस शो अ जीरो माइल शो, बिकॉज वी वांट टू डिकोड दैट पार्ट, दैट माइक्रो द मैक्रो पिक्चर एंड द माइक्रो मैनेजमेंट, लेट पीपल डिसाइड कि व्हाट इज द रियलिटी। ये आपने जो सवाल पूछा कि व्हाट हैपेंड, वो इन दोनों के बीच में कहीं रह गया, आइडियोलॉजिकल पुल नहीं था और नीचे का माइक्रो मैनेजमेंट वाज एब्सेंट बिकॉज ऑफ मल्टी लेयर्ड इन फाइटिंग विद इन एंड आउटसाइड। क्यों प्राग ऐसा क्यों हुआ भाई? एक और देखिए, हम सब इतने बड़े बड़े लोगों के हम नाम ले रहे हैं, बीजेपी के, एनडीए के, सब यहीं से आते हैं, इसी प्रदेश के विदर्भ के हिस्से से ही, लेकिन उसके बावजूद वी सॉ व्हाट हैपेंड इन द लोकसभा इलेक्शंस। पिछले तीन महीनों में क्या क्या बदलाव हुआ है आपके मुताबिक यहाँ पर? पहले लोकसभा चुनाव के बारे में बोलेंगे। लोकसभा चुनाव में जो मोदी फैक्टर था वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, लेकिन मोदी फैक्टर का जो एक पहले ऑरा था 2014 से लेके, वो थोड़ा कम हो गया था, और यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी के अलावा लोकल फेस जो है, जहाँ पे बीजेपी के अंदर अलग अलग दरारें आई थी, जो 2019 में इसी इलाके में देखी गई थी, बीजेपी के अंदर रिवोल्ट की थोड़ी सी संभावना पैदा हुई थी, और उसी वक्त यहाँ पे अगर आप देखो विदर्भ में 17 सीट्स ऐसी है जो बीजेपी के वहाँ पे 2019 में आनी चाहिए थी, जो आई नहीं, और उसका असर बीजेपी के 2019 में राजनीति पे पूरा हुआ है, हमने देख सकते, तो उसका असर लोकसभा में जो होना था वो हो गया। फिर भी यहाँ पे अभी जो परसेप्शन है, परसेप्शन बीजेपी के खिलाफ जाता दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पे जो भी इलेक्टोरल मैकेनिज्म है, ग्राउंड रियलिटी है, जहाँ पे कार्यकर्ता है, यहाँ पे वोटर्स है, एक्टिविटी है, वो आज भी बीजेपी के साथ में है, तो हमें देखना ये रंजक रहेगा कि आगे चल के ये परसेप्शन मैनेजमेंट की जीत होती है या इलेक्टोरल मैकेनिज्म की। कन्हैया जी ये बताइए, आप तो दिल्ली मुंबई सारा टाइम आप घूमते रहते हैं दोनों शहरों के बीच में, एक है दिल्ली की राजनीति और दूसरी है महाराष्ट्र की राजनीति, दोनों में फर्क क्या है? भूपेन, ये सवाल तो मुझे काउंटर आपसे पूछना चाहिए कि आप जो है दिल्ली मुंबई और पूरे देश में भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन जो ब्रॉडर डिफरेंस है वो समझा दें कि सेंटर में जो आइडियोलॉजी है, जो माइक्रो मैनेजमेंट है, वो एक साथ है अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी एंड अमित शाह। मोदी साहब जो है वो आइडियोलॉजी को कन्वर्जेंस है, और अमित शाह साहब जो है माइक्रो मैनेज करने के उस्ताद माने जाते हैं। परहैप्स महाराष्ट्र में अभी उस अंकगणित की और उस आइडियोलॉजिकल पुल का जो डिफरेंस है वो मिट नहीं पाया, और यही भूपेन एक इंटरेस्टिंग चीज है, इस बार मुंबई या MMR तय नहीं करेगा कि मुंबई का मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बार विदर्भा तय करेगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आइए, कन्हैया जी ने अब की बार हमें ये प्रॉमिस किया है कि वो पूरा महाराष्ट्र हमारे साथ घूमेंगे, तो अब नागपुर में ही हम आपको ले चलते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय, चूंकि सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न इस वक्त 2024 की इस लड़ाई में यही है, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्ण रूप से भाजपा के घोड़े को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है या नहीं? तो आइए अब ये तिकड़ी चलती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय, क्योंकि बात अब संघ और भारतीय जनता पार्टी। श्रोताओं,
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।